विजिट है जी बैरिया हैमलेट्स एंड सेक्टर ई ऑफ बैरिया टॉल फेज 8 ऑलपिंडी का। जापान रोड से हम इंटर हो रहे हैं बैरिया हैमलेट में, और देखना है कि यहाँ पे घरों की तामीर कितनी हो चुकी है और 5-6 महीनों में कितना फ़र्क आया है। बैरिया हैमलेट जो है वो बिल्कुल कनेक्ट है सेक्टर पी के साथ। सेक्टर पी में भी कनाल के प्लॉट्स हैं, सेक्टर हैमलेट में भी कनाल के और 10 मरले के प्लॉट्स हैं। तो अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों को देखने के बाद, तो सेक्टर जो पी है उसने अच्छा प्रोग्रेस किया है 5 से 6 महीनों में एज़ कम्पेयर टू हैमलेट। हैमलेट में घरों की तामीर कदर स्लो है, प्राइस भी एक जगह रुकी है आलमोस्ट पिछले 5-6 महीनों में हैमलेट की। लेकिन सेक्टर पी जो है वहाँ पे घरों की तामीर नज़र आई है, क्योंकि बिल्कुल वीरान था सेक्टर पी आज से साल पहले, आस्था सा वहाँ पे कनाल के घरों की तामीर देखी जा रही है। मैं हैमलेट से क्रॉस करके मैं सेक्टर पी की तरफ जाऊँगा। दोनों सेक्टर ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसे बने हुए हैं और डेवलपमेंट भी यहाँ पे कदर स्लो है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट सेक्टर्स हैं ऑफ बैरियर फेज 8 के। हैमलेट के अंदर से ही रास्ता सेक्टर पी को चला जाता है। अभी आपको लेफ्ट साइड पे बोर्ड भी नज़र आ जाएगा। यहाँ से हम मुड़ जाते हैं सेक्टर पी की तरफ। सेक्टर पी जो है इसमें कनाल के प्लॉटों में आपको घरों की नई तामीर नज़र आएगी। प्राइस जो है वो तकरीबन 10 लाख से 15 लाख इंक्रीज़ हुई है पिछले 6-7 महीनों में सेक्टर पी की, वो भी इसलिए कि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता घर बनना शुरू हो चुके हैं। लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो एक्सप्रेस वे के ऊपर सबसे आखिरी सेक्टर आता है सेक्टर पी। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखें तो उससे कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको घर नज़र आएंगे। पिछली वीडियो में काफ़ी यहाँ पे वीरान सा इलाका था। राइट साइड पे आपको एक्सप्रेस वे नज़र आ रही है, एक्सप्रेस वे के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है सेक्टर पी, बल्कि एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ सेक्टर पी फैला हुआ है।